हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं पके हुए केले से बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। और ये नाश्ता बनाने में हमें लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे बनाने के लिए 6 से 7 पका हुआ केला लिया है और केला का छिलका को हटा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पका हुआ है, इसका छिलका देख के आपको पता लग रहा होगा। तो इस तरह से इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और फिर केला को हल्के हाथों से मैश कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। तो ये बहुत ही पका हुआ केला है, बहुत आसानी से टूट जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो सभी को इसी तरह से दबा देंगे। इसके बाद हम इसमें आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 बाउल आटा ले रही हूँ, लगभग 150 ग्राम है ये। तो आप आटा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमें इसे पूरी का आटा लगाना है तो पूरी का आटा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होता है, जानते होंगे। तो वैसे ही आटा हमें लगाना है इसका। तो इसे हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे आटा के साथ। तो अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा आटा और डालना है तो आप डाल सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मसल लेंगे। तो ये आटा लग चुका है, अब इसका हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो इस तरह तोड़ कर, और जैसे पूरी का लोई होता है उससे हल्का सा बड़ा होना चाहिए, और एक बराबर सभी को तोड़ लेंगे। तो एक बराबर हमने यहाँ पे तोड़ कर रख लिया। अब एक लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह से चिकना करके हल्का सूखा आटा डालकर इसे बेल लेंगे। और ये नाश्ता हमें पूरी से हल्का सा मोटा बेलना है, इसका थिकनेस देख सकते हैं इस तरह से होना चाहिए। सभी को इसी तरह से बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये नाश्ता एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो यहाँ पे गैस पे हमने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रखा था, तो तेल गर्म हो गया है। अब इन सभी पूरियों को अच्छी तरह से तल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से ये फूल जा रहा है। तो पलट पलट कर अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें एक बार में 2 से 3 डाल सकते हैं, जितना जगह हो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी को इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। देख पा रहे होंगे जो दूसरा वाला पूरी है वो भी अच्छी तरह से फूल गया है। अब दोनों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा से कलर भी आ गया है, देख पा रहे होंगे। और देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, देखने से ही पता लग रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो बाकी का जो बचा है उसे भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये नाश्ता इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि अगर आप इसे एक बार बना लिए तो इसे हमेशा ही बनाना चाहेंगे। आप इसे किसी भी सब्जी या चटनी के साथ बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।